हेलो एवरीवन, आप सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे बिहार दरोगा। और ये परीक्षा के बाद जो परिणाम की घड़ी होती है ना, दुनिया में वही सबसे मुश्किल घड़ी होती है। सभी लोग जो लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में डर होगा। वैसा ही डर मेरे भी मन में है। पता नहीं हिंदी में कितना मार्क्स आया होगा। सभी लोग तो अपना जीके जीएस लगभग मिला लिए होंगे। तो होता है, ये नॉर्मल सी बात है। परीक्षा के बाद ये इंतज़ार परिणाम के लिए और उस डर में जीना थोड़ा सा मुश्किल है, बट देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से शायद कल नहीं तो परसों ज़रूर ही रिजल्ट आ जाने चाहिए, 7 या 8 को। कल नहीं आएगा तो 8 को तो मतलब 99.9% आ जानी चाहिए, और बाकी तो आयोग जाने। पर हाँ, लेट हो रहा है। पिछले बार 12 दिन में रिजल्ट दे दिया था, तो इस बार तो लगभग उस वैकेंसी के आधी है वैकेंसी, तो दे देना चाहिए था। पर देखिए क्या होता है। आई होप सब ठीक हो। बाकी तो ग्राउंड में आप लोग भी गए होंगे तो सुने ही होंगे, 80+ से कोई भी नीचे बात नहीं कर रहा। पता नहीं यार क्या होगा, जो भी होगा आई होप सब अच्छा हो। और क्या ही कर सकते, अब तो एग्ज़ाम दे दिए, जो होना था वो तो हो चुका है, बस देखना है और क्या ही कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे, एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें कारगर होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने बलबूते पे आगे बढ़ जाते हैं, बट हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपको एक सफल बनाने में, आपको सक्सेस के बिल्कुल करीब ले जाने में या सक्सेस कराने में। आप लोग भी इस बात को किए होंगे, मतलब फील किए होंगे। बहुत ऐसे सेंटर पे मैंने ये पहले भी बातें बोली हैं, आप लोग को लगेगा ये रिपीटेड है, बट हाँ यार ऐसा है। आप लोगों को भी पता होगा, लोग और लड़कियां बहुत झूठ बोलती हैं। मैं सच्ची बताती हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, बट मैं इस बात को मानती हूँ कि लड़कियां बहुत झूठ बोलती हैं। वो कभी भी आपको ना सच बातें नहीं बताती हैं, खुद भले ही पूछ के बनाई हो, लेकिन वो बोलेंगी कि मैंने इसको 10 क्वेश्चन बताया, उसको 5 क्वेश्चन बताया। ये बात फैक्ट्स है कि लड़के ज़्यादा नहीं पूछते, पूछते हैं बट उतना भी नहीं जितनी लड़कियाँ पूछती हैं। और लड़की ऐसा हो ही, पुलिस नहीं किसी से जल्दी बन सकती है। ऐसा तो शायद ही होता हो कि आप किसी को 10 क्वेश्चन बताएं और उससे आप 5 भी नहीं पूछें, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे कम वहाँ तक तो जो बच्चे पहुँचे हैं, जो लड़के पहुँचे हैं, वो मूर्ख तो नहीं ही हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में। तो मैं ये लड़की होकर ये बात को एक्सेप्ट करती हूँ। और हाँ, ये बात भी सही है कि मेरे सेंटर पे बहुत कड़ाई थी, और ये मैं बात झूठ नहीं बोल रही। माना कि लड़कियाँ बहुत झूठ बोलती है, बट ये मैं बात झूठ नहीं बोलती। जो लोग मेरे सेंटर पे एग्ज़ाम दिए हैं वो बखूबी जानते हैं। राजकीय बालिका उच्च विद्यालय जू के पास जो था सेंटर, जू के अपोजिट में एक रास्ता जाता है, वहाँ था। जो लोग दिए होंगे वो बखूबी जानते हैं, मैं इसमें यहाँ तो नहीं झूठ बोलूँगी ना। वो लोग जानते हैं मेरा रूम नंबर 20 था, तो जो दिए होंगे मेरे रूम में वो अच्छे से जानते होंगे। तो ये बात है। पर हाँ, मैंने जो भी कोशिश की मैंने खुद से किया। इस बात की मुझे खुशी है कि मैं अब यहाँ तक अपने बलबूते पे पहुँची। और पीछे भी मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वो मैंने, क्योंकि आप एक बार पूछ पाछ के निकाल सकते हो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता। और ये मेरा 5वां दरोगा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार निकालते हैं, 2 बार नहीं होता, फिर तीसरे बार, क्योंकि हमेशा आपका लक साथ नहीं देता है। मेहनत हाँ थोड़ा परेशान हो सकता है, पर अंततः जीत उसी की होती है। इस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ। और परेशानियाँ हैं, सबके लाइफ में हैं, डर है, ऑब्वियस है, डर लगेगा। इतने सारे लोगों का इतना सारा मार्क्स सुन के डर लगता है कि हाँ मेरा क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा, और क्या ही कर सकते हैं। आई होप सब ठीक। चलिए, मैंने ऐसे ही मन किया बना दिया वीडियो, और कोई खास लॉजिक नहीं बैठा, मन किया बना लिया। थैंक यू।